देख रहे हैं कि कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 6080 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 0.25% की गिरावट है। हम देख रहे हैं कि आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शाम के कारोबारी सत्र में कैसे सीड का जो वायदा बाजार है 6100 का लेवल से कुछ नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 6000 के घरों में है और 6100 का लेवल अब टूटता नजर आ रहा है। इस पूरे कारोबारी सप्ताह हमने कैसे सीड को 6100 के ऊपर का सस्टेन होकर चलते देखा, लेकिन हफ्ते के एंड पर वीकली क्लोजिंग होते होते 6000 का लेवल कार पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 6000 के घरों के अंदर। दरअसल कैसर के जो फंडामेंटल्स हैं ओवरऑल मजबूती की हो रहे हैं, कैसर में ओवरऑल तेजी का ही रुझान है, लेकिन गिरावट क्यों बन रही है ये जानकारी आपके साथ साझा कर देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कैसर के फंडामेंटल्स से, तो आपको बता दें कि पिछले साल कैसर का जो बाज़ार था वो क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से कैसे की जो कीमतें हैं वो बहुत ही कम देखने को मिल रही थी, 2500 से 3000 3500 मैक्सिमम ऐसी ही कुछ कीमतें देखने को मिली थी कैसे सीड की, जिसकी वजह से किसानों ने इस बार कैसे की बुआई कम की, और जहां बुआई कम हुई तो रकबा कम हुआ बुआई कम तो उत्पादन कम होगा, तो इसकी वजह से कैसे की कीमतों में हमने पहले बहुत ही अच्छी एक तेज़ी आती हुई देखी थी, और क्योंकि बुआई भी नहीं हुई थी उस समय तक ऐसा अनुमान लगाया गया था कि बुआई कम हो सकती है, और बुआई कम होने के अनुमान से उत्पादन के कम होने का अनुमान लगाया गया था। अब यहाँ पिछले साल के मुकाबले बात करूँ तो लगभग मान के चलिए कि 15% तक बुआई का रकबा घट सकता है कैसर सीड का। और दूसरा, कैसर की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो कैसर सीड की कीमतों में एक गिरावट की बनती हुई नज़र आ रही है, जबकि हमने अगस्त के महीने में कैसर सीड की कीमतों को 6700 के ऊपर कारोबार करते देखा था। ये एक सवाल सबके दिमाग में उठता है, इसका भी सवाल का जवाब दिए देता हूँ। दरअसल कैसे की कीमतों में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती हुई नज़र आई है वायदा बाजार के अंदर। दूसरा, कैसे की कीमतों में गिरावट का जो मुख्य कारण बनता हुआ अभी हाल फिलहाल में नज़र आ रहा है वो है मॉनसून। जिस हिसाब से मॉनसून फिर से रिएक्टिव होता हुआ नज़र आया है, सक्रिय होता हुआ नज़र आया था, बारिश अच्छी खासी हुई थी, उसकी वजह से कैसे की बुआई में कुछ बढ़ोतरी का भी अनुमान लगाया गया था कि जो किसान हैं कैसे के अच्छे भाव मिलने की खबरों के चलते और मौसम अच्छा रहने की वजह से, मौसम की गतिविधियां अनुकूल रहने की वजह से कैसे की जो बुआई है उसमें कुछ इजाफा कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये दो मेजर फैक्टर जो कैसे की कीमतों में अभी हल्की फुल्की गिरावट का मुख्य कारण बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, जानकार अभी बता रहे हैं कि कैसे की कीमतों में निचले स्तर से खरीदारी निकल के सामने आ सकती है जो कैसे की कीमतों को ऊपर तक लेके जाएगी। लेकिन बात करें अगर आने वाले कारोबारी सप्ताह की, तो आने वाले कारोबारी सप्ताह में हो सकता है कि कैसे सीड की जो कीमतें हैं वो एक सीमित दायरे में देखने को मिले, निचले स्तर थोड़ा लगता हुआ नज़र आ सकता है, फिर वहाँ से खरीदारी निकलेगी, लेकिन खरीदारी एकदम से नहीं निकलेगी, पहले अभी हाल फिलहाल में एक रेंज बाउंड देखने को मिलेगा कैसे की कीमतों के अंदर।